SSGD की जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, ड्यूटीज क्या रहेंगी, कौन सी फोर्स आती हैं, और सबसे बड़ी बात फैमिली क्वार्टर है या नहीं, मेडिकल फैसिलिटी है या नहीं, क्या लिकर कार्ड बनेगा या नहीं, कैंटीन में क्या मिलेगा या नहीं, इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में आए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर फिटनेस कोच, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी प्रकार से चैनल पर प्यार बरसाते रहो। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं जिनको जो भी SSGD के द्वारा सिलेक्शन हो चुका है और अपने जो है कॉल लेटर के इंतजार में बैठा है, तो उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं। ज्यादा वेट करने की आवश्यकता नहीं है, ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, अब आपको जल्द से जल्द कॉल लेटर आपको मिलने लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं SSGD के अंदर। हम अगर हम बात करें कि CAPF के अंदर अगर आते हैं, सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर, जिसके अंदर कि आपको CRPF, BSF, ITBP, CISF, SSB और असम राइफल मुख्य तौर पर जिनका समावेश हो रखा है, तो इसके अंदर आपको क्या क्या ड्यूटीज रहेगी। देखिए ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, ऑल ओवर इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। इस इन फोर्स के अंदर आप किसी भी फोर्स के अंदर आप ज्वाइन करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर आप कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, और मे बी पॉसिबल कि बाहर भी, अगर बाहर कंट्री में भी जाने का मौका मिले, या फिर जब भी बाहर के देशों में जाने का मौका मिलता है उसके अंदर एक कोई टेस्ट होता है, वो टेस्ट आपको देना रहता है, और उस टेस्ट में अगर आप प्रिपेयर होते हैं तो आप 11 महीने के लिए, अधिकतम 11 महीने के लिए हम हमारा जो CAPF की फोर्सेस जाती हैं वो विदेशों में भी जाती हैं सेवाएं देने के लिए, वहां पर हम जाते हैं, जो इसको सामान्य तौर पर UN मिशन के रूप में है। तो देखिए काफी देशों के अंदर गए हुए हैं, अगर आप आएंगे और आपको मौका मिलेगा तो आप भी जाकर वहां पर सेवा दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरी सैलरी की, तो देखिए CAPF के अंदर जितने भी ये 6 सशस्त्र बल आते हैं, अर्धसैनिक बल आते हैं, अर्धसैनिक बलों के अंदर जो है आपका बेसिक पे BA प्लस उसके अंदर आपको जो है HRA और राशन मनी, कुल मिलाकर ये 4 चीजें हो गई, जो 4 चीजें आपको सामान्य तौर पर सभी फोर्स ये जो 6 के 6 के अंदर आपको एक समान मिलेगी। तो आप अपने मन से सवाल निकाल दीजिएगा, यार उसका CRP में है, मैं BSF मिला, यार मैंने तो BSF भी भरा था बट मुझे CISF मिल गया, अब मेरे साथ क्या होगा, मेरे सैलरी के अंदर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज होगा या नहीं, क्या पता मुझे छुट्टी के अंदर क्या मिलेगा या नहीं। तो देखिए इसी प्रकार के सारे सवाल आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे, तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं रहेगा। आपको जो फोर्स मिली है, आपने क्या अप्लाई किया था, आपको क्या मिला है, सारे बेनिफिट मैं इसमें बता दूंगा, तो बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपको बेनिफिट मिल सके। तो देखिए पहली बात मैंने कि ऑल ओवर इंडिया में ड्यूटी इनकी भी कहीं भी हो सकती है, सारी फोर्सेस के अंदर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भेज सकते हैं, बाहर भी जाने का मौका मिले तो जा सकते हैं। अब बात आती है सैलरी की, तो सैलरी के अंदर क्या क्या सेम रहता है, बेसिक पे आपका सेम रहेगा प्लस उसके साथ आपका DA सेम रहेगा, राशन मनी आपको सेम रहेगी और HRA सेम रहेगा। तो आप ये मन से सवाल निकाल दीजिएगा बिल्कुल भी कि यार उसका BSF है, मेरा ITBP है, तो क्या मुझे कम तनख्वाह मिलेगी और उसको ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए ट्रेनिंग पीरियड के अंदर सबको सेम मिलेगी। अब बात आती है कि अब कुछ समय के बाद में जब आप ट्रेनिंग खत्म करके आप पोस्टिंग में चले जाएंगे, ड्यूटीज में चले जाएंगे, तो आप देखेंगे यार मेरे दोस्त की तो 60,000 सैलरी आ रही है, उसकी 70 आ रही है, पर मेरी तो 40,000 आ रही है, मेरे तो 45,000 आ रही है। तो ये डिफरेंस कब आएगा, जब आपके पोस्टिंग पर निर्भर करेगा। देखिए हार्डशिप अलाउंस जो है 7,600, 9,700, 9,700, उसके बाद में 17,300, तीन प्रकार के हार्डशिप अलाउंस होते हैं, उसके बाद में TA अलग होता है। तो जहां पर आपका पोस्टिंग होगा उसके हिसाब से आपकी तनख्वाह में वेरिएशन आ जाएगा। तो अभी तो आप ट्रेनिंग के अंदर मान के चलिए कि आपका सेम ही रहेगा, ट्रेनिंग के अंदर आपका सेम ही रहेगा, ट्रेनिंग के बाद में जब आप पोस्टिंग जाएंगे और उसके बाद में आपका डिफरेंस आ सकता है, उसके बाद में आपका बल के अंदर कि आपका कौन सा बल कहाँ है। बट अगर आप ये मान के चलिएगा कि अगर वो भी JNK में ही है और आप भी JNK में है, एक ही जगह है, तो दोनों का सेम तनख्वाह फिर भी चलता रहेगा, दोनों की सेम सैलरी फिर भी चलती रहेगी। लेकिन आप चंडीगढ़ ड्यूटी कर रहे हैं और वो श्रीनगर ड्यूटी कर रहा है, तो डेफिनेटली आपकी तनख्वाह जो चंडीगढ़ वाले की है उसकी कम तनख्वाह आएगी। तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं करना है कि यार मेरा एक साथ क्या हो रहा है, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप पहले चंडीगढ़ गए, वो श्रीनगर से आने के बाद चंडीगढ़ आएगा, दोनों की ड्यूटी सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर हमेशा चंडीगढ़ ही रहेंगे और वो हमेशा श्रीनगर ही रहेगा, वो हर 3 साल के अंदर चेंजेस होता रहता है। अब आपके मन में किसी प्रकार का सवाल नहीं है ड्यूटीज को लेके। सेकेंड आपकी बात आ गई किसकी, सैलरी को लेके, दोनों डिफरेंस अब मैंने आपको बता दिया है। अब सबसे बड़ी डिफरेंस आती है लीव की, देखिए छुट्टी का, छुट्टी का देखिए वैसे तो सारी छुट्टी सेम ही है, छुट्टी आपको 60 दिन के अर्जित अवकाश और 15 दिन की आकस्मिक अवकाश मिलती है, लेकिन इसके अंदर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब कुछ भिन्नताएं देखी जाती है। जैसे CISF है, CISF के अंदर आपको 30 दिन का अर्जित अवकाश और 15 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है, बट उसके अंदर आपको तनख्वाह थोड़ी अधिक मिलती है। तो देखिए ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, अगर आप घर ज्यादा रहेंगे तो आपका हो सकता है थोड़ी कम तनख्वाह मिले, बट बाकी जो है CRPF, BSF, ITBP, SSB, असम राइफल, इसके अंदर 60 दिन का आपको अर्जित अवकाश और 15 दिन का
आकस्मिक अवकाश मिलेगा, और भी बहुत सारी प्रकार की छुट्टी है, विदाउट पे है, हाफ पे है, ये उसके बाद में आपको मेडिकल लीव मिलेगी, लीव विदाउट पे मिलेगा। अब इसके बाद में आप अगर हायर स्टडी के लिए बाहर जाएंगे तो आपको स्टडी लीव भी मिल जाएगी, वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर है, आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं और उसके अंदर कितने जॉब कितना आपको चाहिए उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा, फिर आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो लीव का भी आपको मैंने क्लियर कर दिया कि लीव किसमें कितनी रहेगी, तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि भाई यार वो तो हमेशा ही छुट्टी पे आ रहा है और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। फिर आपके घर वाले कहेंगे यार तू तो साल में 2 ही बार आता है और वो साल में 5 बार आता है। देखिए वो 5 बार आता है तो वो 10-10 दिन करके 5 बार आएगा, और अगर आप साल में 2 बार आ रहे हैं तो आप 30-30 करके 60 बार आएंगे। तो ये अपने परिवार के साथ डिस्कस करना है, तो उनके भी मतभेद नहीं रहेंगे कि यार वो ऐसे कैसे वो ऐसे कैसे। यहाँ पर लीव की पूरी बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात आपके मन में एक सवाल आता होगा, फैसिलिटीज की, क्या यार फैसिलिटीज क्या क्या है। देखिए सारी फोर्सेस के अंदर आपको फैमिली क्वार्टर्स ऑथराइज हैं, जहां पर आप पोस्टिंग है, अगर वहां पर फैमिली क्वार्टर है तो आप वहां पर रह सकते हैं। अगर वहां पर आप नहीं रखना चाहते, अगर आप अपने स्टेट के अंदर कहीं भी आपके फैमिली क्वार्टर जिस भी फोर्सेस के बने हुए हैं, यानी कि आप जिस फोर्स में हैं उस फोर्स का अगर फैमिली क्वार्टर बना हुआ है, तो आप अप्लाई कर वहां पर भी अपने परिवार बच्चों को रख सकते हैं और आगे का जो है अच्छी उज्ज्वल भविष्य के लिए या फिर उनका हायर स्टडीज के लिए वहां पर भी पढ़ाई करवा सकते हैं। सेकेंड बात आता है कैंटीन की, तो देखिए ऑल फैसिलिटीज आपको कैंटीन की मिलेगी। कैंटीन के अंदर आपका कैंटीन कार्ड बनेगा, कैंटीन के अंदर आप जाकर ग्रोसरी का आइटम हुआ, इलेक्ट्रिक का आइटम हुआ, जो भी आइटम्स है वो आप प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो आप खरीद सकते हैं, जो दूसरे को मिलेगा वो भी आपको मिलेगा। तो ये सारी फोर्सेस के अंदर कैंटीन की फैसिलिटीज है आपको सब में मिलेगी, फैमिली क्वार्टर की सबके अंदर है, सबको मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात आता है लिकर का, जिसके दारू के लिए हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं कि भाई कोई भी दोस्त होगा तो बोलेगा यार दारू नहीं लाया, ये नहीं लाया। तो देखिए ऑल फोर्सेस के अंदर अवेलेबल है और उसके कार्ड्स भी बन रखे हैं, तो जिस प्रकार का जैसा कोटा रहेगा, आपका क्या रैंक है और रैंक के मुताबिक किस प्रकार से किसको कितना मिलता है, वो जिस प्रकार से होगा, छुट्टी के दौरान मिलेगा या फिर लीव पे मिलेगा, ऑन ड्यूटी कितना मिलता है, वो वहाँ के जो कंपनी जो अथॉरिटी है उन पर डिपेंड करता है, तो उस प्रकार से आपको मिल जाएगा। अब सबसे मेजर पॉइंट आता है मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तो आपके मन से सारे सवालों और जो भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। अब बात आता है मेडिकल फैसिलिटी की, तो मेडिकल फैसिलिटीज आपको ऑल फोर्सेस के अंदर अवेलेबल है, आपका मेडिकल का कार्ड भी बनेगा जिसको डिपेंडेबल कार्ड कहते हैं, जिसके अंदर आप आपके परिवार के जो भी आपके परिवार आप पर डिपेंडेबल है, यानी कि जो आपके माता पिता भाई बहन जो भी अभी आपके ऊपर डिपेंड है, यानी कि 18 साल से छोटे हैं और आप पर डिपेंड हैं, तो उनका भी कार्ड बनेगा, आप वो मेडिकल फैसिलिटीज ले सकते हैं। आपके नज़दीकी कोई भी जो भी आपके फोर्स का हॉस्पिटल होगा वहां पर जाकर दिखाएंगे, वहां पर आपको बेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात किया कि इसकी ड्यूटी की, सैलरी की, लीव की और फैसिलिटीज की। इस प्रकार से मैंने अभी तक तो इसके सारे बता दिए हैं कि किस फोर्स के अंदर कितना क्या रहेगा, तो अब आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी ऐसी दुविधा नहीं रहनी चाहिए यार उसमें है या नहीं। अब सबसे मेजर बात आता है उज्ज्वल भविष्य के लिए, यानी कि डिपार्टमेंट एग्जाम होगी या नहीं होगी, हम डिपार्टमेंट एग्जाम देकर आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, ये सबके मन में सवाल रहता है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है कि आपके मन आप सारे सवालों को देख लें, लास्ट में आपका मन शांत कर हो जाए और उसके बाद में आपको समझ में आए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों आपने 10वीं पास बेसिस के ऊपर आपने अप्लाई किया था, 10th बेसिस पे आपने अप्लाई किया था, तो उसके अंदर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपको पद मिल चुका है। अभी इसके अंदर कुछ फोर्सेस के अंदर हेड कांस्टेबल के भी एलडीसी का निकलता है, जैसे सीआरपीएफ के अंदर एलडीसी हेड कांस्टेबल होता है, जिसके अंदर की आपको कांस्टेबल से हवलदार के लिए आपको एक रिटर्न एग्जाम देना रहता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल होता है, और डेफिनेटली आप अगर अच्छे पढ़े लिखे हैं और आपने अच्छा टेस्ट दिया है और आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द यानी कि बन जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति को तकरीबन 15 से 18 साल लगते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल, यानी कि नॉर्मली बनते बनते सीनियरिटी के बेसिस पे वो व्यक्ति 5 साल के अंदर ही उस रैंक तक पहुंच जाता है। देखिए ये सीआरपीएफ के अंदर है, और भी फोर्सेस के अंदर भी लिए जाते हैं, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं, जैसे बीएसएफ है, आईसीआईएसएफ है, सबके अंदर अलग अलग है, किसी में एएसआई पद के लिए आएगा, एसआई पद के लिए आएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए भी डिपार्टमेंट के एग्जाम होते हैं। तो जैसे आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना रिकॉर्ड साफ रखना है। अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती करेंगे या फिर अपना रिकॉर्ड खराब कर लेंगे तो आपको डिपार्टमेंट के एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा और आपको जो है सीनियरिटी बेसिस के ऊपर ही आगे धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरा सबसे एक ही सवाल है और एक ही सुझाव है कि आप जब फोर्स में आ जाएं तो आप मन लगाकर काम करें, डेफिनेटली
हार्ड वर्क करें। देखिए आपने ज्वाइन किया ना, तो आप अपने पूरी ईमानदारी के साथ और भरपूर जोश के साथ, मेहनत के साथ अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए मैं आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण बैठा हूँ। मैं भी 2010 के अंदर भर्ती हुआ था, उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट की एग्जाम दिया, LDC 2015 वाला दिया, और उसके अंदर मैंने भी अपना रैंक को अप कर दिया। यानी कि आप मान के चलिए कि जो मुझे 18 साल लगते एक रैंक अप होने के लिए, वो मैंने 5 साल के अंदर ही एक रैंक अप हो गया। तो इसी प्रकार से मेरा भविष्य जो है धीरे धीरे आगे और बढ़ता रहेगा। अगर आप 12th पास हैं तो आप हवलदार के लिए दे सकते हैं, हवलदार GD के लिए दे सकते हैं, हवलदार मिनिस्ट्री के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास साइंस है, मैथ साइड से है, साइंस में मैथ है, तो आप रेडियो फिटर, रेडियो ऑपरेटर, रेडियो साइपर, इसमें जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अगर देखें, अगर आपका फार्मासिस्ट है तो फार्मा वाला मेडिकल की लाइन में जा सकते हैं। तो ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको मन लगाकर काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, किसी प्रकार का कोई भी गलत नहीं करना है जिससे कि आपका रिकॉर्ड खराब हो और आपका भविष्य जो है अंधकार से भी नीचे चला जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ या फिर डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँच रही है। और दोस्तों ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी ज्वाइन हो रखे हों उनके साथ भी, या फिर जो ज्वाइन होने वाले हैं या फिर हो चुके हों सबके साथ आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि सबको ये पता चल सके फोर्सेस के बारे में, डिफरेंस के बारे में पता चल सके, उनको जो भी उनके मन में जो सवाल थे वो सारे सवालों का जवाब मिल सके। इसके अलावा भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल बचा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके कमेंट्स का जवाब देने की। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।